आप देख रहे हैं शापित कथाएं दीपक के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका शापित कथाएं के नए एपिसोड में। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही दिलचस्प रूट पे जा रही है। अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही हो तो पहले पिछले के भाग देख लीजिए, क्योंकि पिछले भाग देखेंगे तब ये कहानी आगे समझ में आएगी। चलिए कहानी वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पिछला भाग खत्म किया था। तो वो तीनों बाहर घूमने जाने के लिए बाहर सड़क पर खड़े किसी बस का इंतजार कर रहे थे, और थोड़ी देर में बस आई और वो तीनों बस में बैठ गए। लगभग 5:30 बजे घंटा घर पर उतरे। फिर संतोष, प्रीति और नेहा को देहरादून शहर घुमाने जा रहा था, क्योंकि प्रीति पहली बार इस शहर में घूम रही थी और अब उसको भी अच्छा लग रहा था। अब शायद उसका मूड भी थोड़ा सही हो गया था। थोड़ी देर में वो तीनों मार्केट के अंदर गए तो वहाँ बहुत सारे टॉयज की दुकानों को देखकर नेहा जिद करने लगी, पापा मुझे टॉय चाहिए। संतोष ने भी कहा, क्यों नहीं, बिल्कुल ले लो, चलो दुकान के अंदर चलते हैं। तभी वो तीनों अंदर चले गए। नेहा ने अपने लिए तो खिलौने ले ही लिए और उसने अपने पापा से कहा, पापा एक रश्मि और प्रिया के लिए भी ले लूँ क्या? प्लीज़ पापा, उनके लिए भी ले लो ना, मैंने उनको कहा था जब हम बाहर घूमने जाएंगे ना तो तुम दोनों के लिए खिलौने लाएंगे, इसलिए अब उन दोनों के लिए भी थोड़ा खिलौने ले लेते हैं। फिर संतोष ने कहा, बेटा हम उनके लिए बाद में लेंगे, पहले अपने लिए ले लो। लेकिन नेहा रोने लगी और जिद करने लगी, नहीं पापा उन दोनों के लिए भी ले लो, नहीं तो मुझे भी नहीं चाहिए। संतोष बहुत परेशान था, लेकिन वो करता भी तो क्या, क्योंकि दुकान में बहुत सारे लोग थे और सब लाइन लगाए हुए थे। तो उसने कहा कि ठीक है उनके लिए भी ले लो। उसके बाद वो दुकान से बाहर निकले। अब संतोष नेहा को बहुत प्यार से समझाने लगा, बेटा तुम्हें क्या हो गया है, वहाँ कोई भी नहीं रहता है उस घर में, उधर तो हम सिर्फ हम ही लोग रहते हैं ना, और कोई भी नहीं है, कोई प्रिया कोई रश्मि कोई नहीं है। संतोष की बात बीच में ही काटते हुए प्रीति ने कहा, संतोष वही है प्रिया और रश्मि, शायद वो सिर्फ नेहा को ही दिखती हैं और नेहा से ही बातचीत करती हैं, क्योंकि मैंने जब भी उन्हें देखा है तो वो सिर कटी हालत में ही दिखती हैं वो लड़कियाँ, लेकिन आज जब मैंने गार्डन में देखा था ना तो वो बिल्कुल सही हालत में थी और नेहा के साथ खड़ी थी। इतना ही कहा होगा प्रीति ने तो संतोष को फिर से गुस्सा आ गया। फिर संतोष ने कहा, तुम चुप हो जाओ भाई, अब तुम्हारे चक्कर में हमारी बच्ची भी परेशान हो गई है और पता नहीं क्या अनाप शनाप सोचती रहती है जो कुछ है भी नहीं, उसके दिमाग में भी तुम्हारे चक्कर में पता नहीं कौन कौन सी उल्टी सीधी बातें घूमती रहती हैं। अब चलो आज घर जाने के बाद कल सुबह हम कोई एक यहाँ हॉस्पिटल है वहाँ आएंगे। प्रीति ने संतोष को इस बार कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो समझ चुकी थी संतोष को समझाना बस बेकार हो गया है, क्योंकि संतोष को इन बातों पर या इन घटनाओं पर ज़रा भी विश्वास नहीं था। लेकिन प्रीति ये भी जानती थी कि जो कुछ भी है उस बंगले से ही जुड़ा है, क्योंकि जब तक वो उस बंगले में थी तो उसके अंदर एक अजीब सा डर और एक घबराहट थी। अब जैसे ही वो लोग बंगले से बाहर निकले हैं तब से वो खुद को बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, और साथ ही साथ प्रीति ये भी सोच रही थी कि अभी थोड़ी देर में फिर से उसी बंगले पर जाना पड़ेगा। ये सोचकर उसका मन बहुत घबरा रहा था। तभी नेहा ने कहा, पापा हम बहुत देर से घूम रहे हैं, अब मुझे भूख लग रही है। फिर संतोष ने कहा, हाँ चलो अब जाकर किसी रेस्टोरेंट में जाकर डिनर कर लेते हैं, क्योंकि अब अंधेरा भी बहुत हो गया है और हमारे पास गाड़ी भी नहीं है तो बस में जाना पड़ेगा, इसलिए फटाफट डिनर कर लेते हैं। फिर प्रीति ने संतोष से कहा, ऐसा नहीं कर सकते क्या कि आज जो तुमको स्कूल की तरफ से रूम दिया गया था वहीं पर रुक जाएं, क्योंकि रात भी बहुत हो चुकी है। प्रीति की बात सुनकर संतोष ने प्रीति के चेहरे की तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, चलो ठीक है, क्योंकि संतोष भी जानता था कि अभी फिर से उस बंगले में जाएंगे तो प्रीति वही अनाप शनाप जो उसके मन में चल रहा था, जो उसको बताया गया था इस बंगले के बारे में, उसी के बारे में सोचेगी, खुद भी परेशान होगी और नेहा को भी परेशान करेगी। लेकिन नेहा यह सुनकर फिर से रोने लगी और कहने लगी, नहीं हम घर पर ही जाएंगे, वहीं पर मुझे रश्मि और प्रिया को उनके खिलौने भी देने हैं और उनको बताना है कि आज हमने घूमकर कितना मस्ती की, पापा इसलिए हम वहीं पर जाएंगे। संतोष ने फिर कहा, हाँ ठीक है भाई चलो पहले कुछ खा लेते हैं। उसके बाद वो तीनों एक रेस्टोरेंट में गए और थोड़ा आगे जाकर अंदर एक साथ टेबल पर बैठकर खाना ऑर्डर कर दिया। वो इधर उधर की बातें कर रहे थे कि तभी प्रीति को ऐसा महसूस हुआ कि
कि उसके कान के पास कोई फुसफुसा रहा है और अब उसको कान में फुसफुसाने की आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। प्रीति के कान में कोई बोल रहा था, अगर तुमने नेहा को हमसे दूर करने की कोशिश की तो अंजाम बहुत बुरा होगा, इसलिए आना तो तुम्हें बंगले में ही होगा, नहीं तो तुम सब मारे जाओगे। और फिर डरते हुए प्रीति ने थोड़ा बगल में देखा तो उसके होश उड़ गए और उसके रगों में चलता खून जम सा गया और उस भरे रेस्टोरेंट में प्रीति की चीख गूंजने लगी। प्रीति जोर जोर से चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागने लगी। संतोष भी उठकर प्रीति के पास दौड़कर गया, उसने उसे तुरंत थाम लिया। प्रीति डरते घबराते हुए यही बोल रही थी कि संतोष देखो वो दोनों लड़कियां टेबल पर बैठी हैं और वो कह रही थी कि अगर हमने नेहा को उनसे दूर किया तो तुम लोगों के साथ अच्छा नहीं होगा, और कह रही थी अगर तुम लोग उस बंगले में आज नहीं गए तो मारे जाओगे, इसलिए तुम्हें बंगले में आना ही होगा। रोते हुए प्रीति ये सब बातें संतोष को बता रही थी और रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग प्रीति को बहुत अजीब ढंग से देख रहे थे। उसके बाद संतोष ने बिल पे किया और उसके बाद नेहा और प्रीति का हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर आ गया। वो खुद नहीं समझ पा रहा था कि क्या करे, क्योंकि अब उससे प्रीति की हालत देखी नहीं जा रही थी। अभी तक जो संतोष को प्रीति पर गुस्सा आ रहा था, लेकिन अब संतोष सोच रहा था कि यार ऐसा क्या हो गया मेरी प्रीति के दिमाग पर। उसके बाद संतोष प्रीति और नेहा को लेकर एक बस में बैठ गया और वो लोग उसी जगह पर जाकर उतरे जहाँ संतोष का स्कूल था। अब टाइम भी बहुत हो गया था, घड़ी में लगभग 8 या 8:30 बज रहे होंगे। प्रीति इस समय भी शायद उसी सदमे में थी जो कुछ उसके साथ रेस्टोरेंट में हुआ था, लेकिन इस बात से थोड़ा संतुष्ट थी कि कम से कम आज तो उसे उस बंगले पर नहीं जाना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक वो भी डर था कि जो उसके कान में सुनाई दिया था कि अगर नेहा को हमसे अलग किया तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। यही सब बातें प्रीति के दिमाग में चल रही थी। उसके बाद संतोष प्रीति और नेहा को बाहर ही रोक कर सीधा जाकर स्कूल में गार्ड के पास गया और उसने जो वहाँ देखा तो मानो अब तो संतोष के भी होश उड़ गए और उसकी रगों का खून थम सा गया। इतनी देर से जो संतोष प्रीति को समझाने की कोशिश कर रहा था कि यहाँ कुछ भी नहीं है, बस तुम्हारा वहम है और तुम्हारे दिमाग पर ही कोई गलत असर हुआ है, पर अब संतोष की भी आवाज़ हलक में अटक गई थी और वो वहाँ से डरता हुआ वापस पीछे की तरफ भागा जहाँ बाहर नेहा और प्रीति खड़े हुए थे, क्योंकि उसने जो वहाँ देखा वो सब देखने के बाद संतोष को खुद अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। संतोष घबराता हुआ प्रीति से बोला, प्रीति चलो यहाँ से, चलो कहीं और चलते हैं। फिर प्रीति के बार बार पूछने पर संतोष ने बताया कि उसने देखा कि वो वहाँ गार्ड नहीं था और उसकी जगह पर एक औरत बैठी हुई थी जिसका सर कटा हुआ है और उसका कटा हुआ सर सामने की टेबल पर रखा था और उस कटे हुए सर से आवाज़ आ रही थी, भलाई इसी में है, अभी तुम लोग उसी बंगले में लौट जाओ, अभी लौट जाओ, अगर बंगले में नहीं गए तो मारे जाओगे, अगर बचना है तो अभी उस बंगले में चले जाओ। प्रीति ने जब सुना तो उसे समझ में आ गया था कि जो अब तक उसके साथ हो रहा था अब वो संतोष को भी महसूस होने लगा और संतोष को भी औरत दिखाई देने लगी। उसके बाद संतोष ने प्रीति का हाथ पकड़ा और प्रीति ने नेहा को गोद में उठा रखा था क्योंकि नेहा सो रही थी और उन्होंने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। प्रीति और संतोष लगातार भाग रहे थे और भागते भागते दोनों बहुत थक चुके थे और प्रीति के दिल की धड़कन भी बहुत तेजी से धड़क रही थी क्योंकि प्रीति भागते भागते बहुत थक चुकी थी और हाँफ रही थी। तभी प्रीति की नज़र जो उसके साथ संतोष भाग रहा था उस पर पड़ी तो मानो प्रीति के पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई हो। उसके बाद प्रीति चीखने चिल्लाने लगी क्योंकि उसने देखा कि वो जिसका हाथ पकड़कर भाग रही थी वो एक औरत थी कटे हुए सर वाली, और वो वही औरत थी जिसको प्रीति ने कई बार देखा था। उसके बाद प्रीति ने एक झटके में हाथ छोड़ा और चीखते चिल्लाते हुए पीछे की तरफ भागने लगी। तभी प्रीति शायद किसी चीज़ से टकराई और वो जाकर बड़ी तेजी से सड़क पर गिरी। नेहा जो अभी तक सो रही थी तभी उसकी भी नींद खुली और वो ये सब देख कर रोने लगी। नेहा रो रही थी और प्रीति के पास ही बैठी थी, पर प्रीति उस समय शायद बेहोश हो गई थी। दोस्तों आपको ये कहानी कैसी लग रही है हमें कमेंट में बताइए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसका अगला भाग जल्द ही आएगा। धन्यवाद।